नमस्ते दोस्तों, पेट खराब होने के कारण बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और कुछ लोगों को बार बार लैट्रिन को जाना पड़ता है। खाना खाने के बाद अगर आपको भी बार बार लैट्रिन जाने की इच्छा होती होगी तो इसी प्रॉब्लम को मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम यानी आयुर्वेद के अनुसार ग्रहणीय जो बीमारी होती है, इसमें खाना खाने के बाद तुरंत टॉयलेट को जाने की इच्छा होती है, जिस वजह से उन पुरुषों का, उन स्त्रियों का वजन नहीं बढ़ पाता, उनके पेट में दर्द होता रहता है और उनका बाहर जाने का कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। इसी IBS के प्रॉब्लम के वजह से उनका जो सोशल कॉन्फिडेंस है वो भी कम होने लगता है। तो चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में IBS होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके लिए हमें क्या घरेलू उपाय अपनाने चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश अम्बले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। अगर आपने खाना खाया और उसके 15 से 20 मिनट बाद इमीडिएटली अगर आपको लैट्रिन जाने की इच्छा होती है तो आपको IBS है। अगर लैट्रिन करते समय आपको कभी कभार पतले शौच होते हैं और कभी कभार गाढ़ा मल निकलता है तो आपको IBS है। पेट साफ करते समय आपके पेट में दर्द होते रहता है तो आपको IBS है। आपको खाना खाने के लिए कॉन्फिडेंस आपका कम हो रहा है क्योंकि खाना खाने के बाद इमीडिएटली आपको लैट्रिन के लिए जाना पड़ता होगा तो आपको IBS है। तो IBS के ये 3 से 4 जो प्रमुख लक्षण होते हैं इनके अनुसार IBS ये बीमारी सेल्फ डायग्नोजेबल होती है। अभी हम देखते हैं कि IBS के पीछे क्या प्रमुख कारण होते हैं। इसमें सबसे पहला कारण होता है रॉन्ग डाइट। बहुत सारे लोग खाना तो खाते हैं लेकिन खाना खाने का समय उनका गलत होता है। उनको भूख नहीं है और फिर भी अगर आप खाना खाते हो तो ऐसे समय पर आपकी जो पाचन शक्ति है उसके ऊपर काफ़ी बुरा असर होता है और इसी वजह से IBS जैसी पैथोलॉजी हमारे शरीर में बनने लगती है। अगर आपके खाने में बहुत सारे मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा प्रमाण में होता है, आप जंक फूड ज़्यादा खाना पसंद करते हो जैसे कि पाव भाजी, पिज़्ज़ा, बर्गर, बहुत सारे जैम, सॉस, केचप, ये सारे प्रोडक्ट्स अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाते हो तो उसी वजह से भी आपको IBS हो सकता है। अगर आप खाना खाते समय कुछ विरुद्ध अन्न का प्रयोग करते हो कि जैसे कि नॉनवेज प्रोडक्ट्स खाने के बाद आइसक्रीम खाना या मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स खाना, बहुत सारे लोग पार्टी होने के बाद डेजर्ट खाना पसंद करते हैं जो इन प्रकार के IBS की पैथोलॉजी को बढ़ने लगता है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग अगर खाना खाते समय बातें ज़्यादा करना पसंद करते हैं, मोबाइल पे यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ खड़ा होकर अगर खाना खाते हो तो ये सारे कारण बनते हैं IBS की पैथोलॉजी के लिए। IBS होने के पीछे का दूसरा प्रमुख कारण होता है वीक डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपकी पाचन शक्ति ऑलरेडी कमज़ोर है और ऐसी कमज़ोर पाचन शक्ति के साथ आप और खिलावट कर रहे हो और इस प्रकार से खाना खाते हो जो कि आपके पाचन शक्ति के लिए काफ़ी हैवी हो जाता है तो इसी प्रॉब्लम के वजह से भी आपके शरीर में IBS बन सकता है। इसी वीक डाइजेशन सिस्टम का लक्षण होता है जैसे कि बार बार आपको खाना खाने के बाद पेट फूल जाना, पेट में गैस हो जाना, एसिडिटी का हो जाना, गले में खट्टा तीखा पानी आ जाना, सरदर्द होना और पेट खाना खाने के बाद भी आपको इक्वली सेटिस्फैक्शन अगर नहीं लगता है तो इस प्रकार के खाने से आपको बार बार लैट्रिन आ सकती है और यही होता है IBS। IBS होने के पीछे का तीसरा प्रमुख कारण होता है वाटर इम्बैलेंस। हमारे शरीर में 90% वाटर होता है, यानी कि हमारे ब्लड का जो कंपोजिशन होता है उसमें 90% वाटर है, लेकिन हम पानी किस प्रकार से हमारे दिनचर्या में इनकॉर्पोरेट करते हैं उसके अनुसार हमारी लैट्रिन की कंसिस्टेंसी डिपेंड होती है। बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होने के वजह से वो ज़्यादा मात्रा में पानी पीने लगते हैं और ये ज़्यादा मात्रा में अगर आप पानी पीते हो तो उससे भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काफ़ी बुरा असर होता है और बहुत सारे लोग कामकाज के वजह से या सीजनल इफेक्ट्स के वजह से पानी कम मात्रा में पीते हैं जिससे भी उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर हो सकता है। तो पानी का बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना और पानी का बहुत कम मात्रा में पीना, ये दोनों भी चीज़ें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है और इसी वजह से आपको खाना खाने के बाद इमीडिएटली लैट्रिन के जाने की इच्छा हो सकती है। IBS होने का सबसे
चौथा प्रमुख रीजन होता है स्लीप वेक शेड्यूल, यानी कि आपको कितने बजे पर सोना है और कितने बजे पर उठना है, यानी कि स्लीप क्वालिटी और क्वांटिटी का डायरेक्ट रिलेशन हमारे डाइजेशन के सिस्टम पर होता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे दिनचर्या में हमें 6 से 7 घंटों की साउंड स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से अगर आप ये नींद अच्छी तरह से पूरे नहीं कर पाते हो तो इसका डायरेक्ट असर आपके डाइजेशन के सिस्टम पर होता है और इन्हीं कारणों के वजह से खाना खाने के बाद आपको इमिजिएटली लैट्रिन जाने की इच्छा हो सकती है। IBS के उपायों के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपके डाइजेशन की सिस्टम को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप भी IBS से ग्रस्त हो, आपको भी खाना खाने के बाद इमिजिएटली लैट्रिन जाने की इच्छा होती होगी, आपको मुहुर द्रवम मुहुर बद्धम यानी कि कभी कभार शौच जो होता है वो पतला होता है और कभी कभार गाढ़ा होने लगता है, तो ऐसे में आपको ये उपाय ज़रूर अपनाना चाहिए। इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें 3 इन्ग्रीडियंट्स लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। 1 चम्मच हमें अजवाइन लेना है, 1 चम्मच हमें जीरा का पाउडर लेना है और 3rd 1 चम्मच हमें सौंफ लेना है। ये तीनों को हमें मंद गैस पर हल्के से भून लेना है। भूनने के बाद इन तीनों के मिश्रण के 1 चम्मच को हमें मुंह में लेना है, अच्छे से उसको चबाना है। जब तक हमें चबाना है जब तक कि उसका जूस ना निकले, और ये जूस निकलने के बाद हमें 1 ग्लास गुनगुना पानी पी लेना है। जैसे ही हम ये कॉम्बिनेशन लेने के बाद गुनगुना पानी पीते हैं तो जैसे ये हमारे पेट में चला जाता है, पेट में जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होगा, इनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा, उसको डाइजेशन करने का काम करता है। जीरा के प्रभाव के वजह से अपान वायु की दिशा जो होती है वो नीचे की तरफ बढ़ने लगती है और थोड़े थोड़े टाइम पर या खाना खाने के बाद इमीडिएटली जो मोशन आने की जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है। अजवाइन जो होता है वो हमारे शरीर में जो भी मटेरियल इनडाइजेस्टेड कंडीशन में होता है उसको पाचन करने में मदद करता है, और सौंफ जो होता है वो हमारे फाउल स्मेल और उसके साथ साथ जो गैस अतिरिक्त मात्रा में बनता है उसको कम करने में मदद करता है। तो ये 3 यानी कि अजवाइन, जीरा और सौंफ का कॉम्बिनेशन आप डेफिनेटली अपनाइए आपके लाइफस्टाइल में, इससे कि आपकी IBS की फ्रिक्वेंसी और कंसिस्टेंसी इन दोनों में आपको फायदा होते हुए नजर आएगा। IBS को ठीक कराने में दूसरा प्रमुख उपाय होता है उड्डयन बंध। जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध, ऐसे 3 प्रकार के बंध योग शास्त्र के अनुसार बताए हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यानी कि उड्डयन बंध अगर आप प्रैक्टिस डेली बेसिस पर करते हो तो आपको IBS की प्रॉब्लम भविष्य में नहीं हो सकती, और अभी आप IBS के प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे तो ऐसे समय पर अगर आप उड्डयन बंध का प्रैक्टिस करते हो तो आपकी IBS का प्रॉब्लम जल्दी दूर हो जाएगा। उड्डयन बंध लगाना कैसे है, इसके लिए आपको एक नॉर्मल पोजिशन में बैठ जाना है। नॉर्मल पोजिशन में बैठने के समय पर अगर आप पद्मासन में बैठते हो तो काफ़ी अच्छी बात है। पद्मासन में बैठकर हमें अच्छी तरह से दोनों नासिकाओं से श्वास अंदर लेना है और पेट के जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है। नाभि के ऊपर अपना पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेट कर लेना है, पेट के जो मसल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है। इतना कॉन्ट्रैक्ट करना है कि जब तक पेट के मसल्स हमारे पीठ के मसल्स की तरफ रिट्रैक्ट ना हो जाए, और इसी प्रकार से वो जो श्वास लिया है उसको हमें रोक के रखना है। इसी उड्डयन बंध के प्रैक्टिस के वजह से आपकी जो इंटेस्टाइन्स की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जो बढ़ी हुई रहती है वो कंट्रोल में आने लगती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन सिंक्रोनाइजेशन वे में होने लगने के वजह से IBS की फ्रीक्वेंसी और कंसिस्टेंसी में काफ़ी हद तक मदद होने लगता है। उड्डयन बंध का प्रैक्टिस आपको खाली पेट के समय करना चाहिए, और उड्डयन बंध समझने के लिए आपको किसी योग अभ्यासक के निरीक्षण के अंदर इस प्रैक्टिस को कराना चाहिए। उड्डयन बंध अगर जैसे हम प्रैक्टिस करना चालू करते हैं लगभग 1 से 2 हफ्तों में हमें इसका परिणाम दिखने लग जाता है। IBS को अच्छा करने के लिए तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक औषधि है शंखवटी। शंखवटी यानी जो शंख होता है हमारे समुद्र में जो मिलता है उसका शंख भस्म सबसे पहले तैयार किया जाता है। ये शंख भस्म तैयार करने के बाद उसमें चिंचा क्षारीय पानी यानी कि जो इमली होती है उसकी जो छाल होती है उसका एक क्षारीय पानी तैयार किया जाता है। उसके साथ साथ उसमें स्नोही क्षीर, ये भी एक कल्प होता है, मेडिसिन होता है, वो उसमें ऐड किया जाता है। इसके साथ साथ उसमें निरगुंडी, अदरक, नींबू, इन सारे जूस को मिलाकर शंख भस्म में मिलाकर उसकी गोलियाँ बनाई जाती है, और इसी प्रिपरेशन को कहा जाता है शंखवटी। यह शंखवटी आपको 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को इस प्रमाण में आपके 2 खानों के बीच में आपको लेना है।
जैसे हम खाना खाने बैठते हैं तो हमने आधा खाना खाने के बाद बीच में आपको शंखावटी खा लेनी है दो गोलियां और फिर आपको आगे का खाना कंप्लीट करना है। ऐसे सुबह के नाश्ता के समय पर भी आपको करना है और रात के समय पर भी आपको करना है। ऐसे दो बार अगर शंखावटी का प्रयोग हम रेगुलरली करते हैं तो हमारे समान वायु की जो गति होती है वह नॉर्मलाइज होने लगती है। शंख भस्म में काफ़ी प्रभावी द्रव्य इस प्रकार से मिलाए हुए रहते हैं। इनमें कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ ऐसी रहती है कि जिसमें IBS में बेसिकली जो ऐठन आ जाती है आंतड़ों में वो ऐठन कम होने लगती है। IBS में जो वाटर कंटेंट बाहर रिलीज होने लगता है वो फिर से रीअब्सॉर्ब होने के वजह से आपका जो मल है वो नॉर्मल तरीके से बंधा हुआ बाहर निकलने लगता है। अगर आपका मल ज़्यादा गाढ़ा भी निकलता होगा, कड़क भी निकलता हो, तो उसमें भी ये जो शंखवटी होता है इसमें काफ़ी ल्यूब्रिकेशन देने का काम करता है और आपके मल को अच्छे से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो शंखवटी अगर IBS का कोई पेशेंट है तो उसके लिए अमृत जैसा काम करता है। शंखवटी का प्रयोग दो दो के प्रमाण में आप कर सकते हो। आपके लक्षणों की तीव्रता अगर ज़्यादा मात्रा में है तो आप इसको दो 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 यानी कि तीन में तीन बार भी आप इसको ले सकते हो। शंखवटी लेते समय आपको नॉनवेज पदार्थ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। शंखवटी के सेवन से कम भी 20 दिनों में आपको डेफिनेटली लाभ होते हुए दिखाई देता है। तो अभी तक हमने देखा कि IBS का अगर प्रॉब्लम हो और उसमें आपको कॉन्स्टिपेशन वाला फीलिंग हो या लूज मोशन वाला फीलिंग हो, ये दोनों प्रॉब्लम्स के ऊपर बताई हुई जो तीन औषधियाँ हैं वो डेफिनेटली काम करती है। इसमें सबसे पहला उपाय था अजमोदा, जीरा और सौंफ का पाउडर लेना और गुनगुना पानी पीना। दूसरा उपाय था उड्यान बंद को लगाना और तीसरा उपाय था शंखवटी। ये तीनों उपाय अगर आप अपनाते हो तो आपकी IBS के प्रॉब्लम जल्द से जल्द ठीक हो सकती है। इसके साथ साथ IBS में शारीरिक प्रॉब्लम 50% होती है, तो 50% आप मानसिक तौर से कैसे बिहेव करते हो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मानसिक रूप से अगर आप ग्रस्त हो, आपको किसी भी प्रकार का मानसिक तान तनाव हो, तो उस वजह से भी आपका IBS बढ़ सकता है। और इसीलिए आपको आपकी दिनचर्या अच्छे से रखनी है, आपको संतुलित आहार रखना है और योगाभ्यास की प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, जिससे कि आपके फिजिकल और साइकोसोमेटिक दोनों लेवल पर काफ़ी हद तक फायदा होता हुआ दिखाई देगा। इसी वीडियो के बारे में अगर आपको किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। IBS के बारे में या आपकी पेट की समस्याओं के बारे में किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप भी मुझे वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसी प्रकार का हमारा पेज डॉक्टर आमले रूपेश नाम से इंस्टाग्राम पर है, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you so much.